से जिंटू को बुलाना ही ठीक होगा। वो जिंटू नहीं आ रहा, मुझे ही कुछ करना होगा। हर पेड़ चाहे कैसा भी हो आग से जल जाता है। चलो इसे देखते हैं। फायर सूट ऑन। फायर सूट ऑन। उसको रिपेयर कर लिया कि नहीं? हाँ, ये रिपेयर हो गया है। लेट्स गो होम। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। इतना सब कुछ हो गया और चिंटू का कहीं पता नहीं। ट्री रोबोट की बेलों पे झूला झूलते हुए वो दूर जाके गिरा था। शायद उसके सिर पे चोट लगी होगी और उसकी याददाश्त गुम हो गई होगी। चलो अब चल के उसे ढूंढ के उसकी याददाश्त वापस लाएंगे। फुटबॉल की तरह है, बस हाथों से बॉल को पास करना होता है और गोल करना होता है। वाओ, ये गेम बहुत अच्छा है। वीर, तुम भी खेलो ना। वीर, तुम कैसे खेलोगी? इसमें तो उड़ना पड़ता है। जेट पैक ऑन। जेट पैक ऑन। मैं उड़ सकता हूँ, चलो मैं भी खेलूंगा। हे किड्स, ये मेरा दोस्त वीर है। ये इस टीम में है और मैं उधर वाली टीम में हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके वीर, ऑल द बेस्ट। ये जिंटू कहाँ चला गया? हमारे साथ साथ ही तो था, कहीं घूम रहा होगा, आ जाएगा। कमाल का खेलते हो। वो देखो, काल मकड़ी बच्चों को पकड़ के ले जा रही है। वीर, allow me to introduce myself. I am काल मकड़ी। सुना है तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें आराम से खाऊंगी। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मुझे तो लगा था कि अब बाहर की दुनिया देखने को ही नहीं मिलेगी। काल मकड़ी आती ही होगी, जल्दी भागो यहाँ से। नहीं वीर, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
आ जाओगे। काल मकड़ी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। मैं अभी इसे दुलत्ती मार के भगाता हूँ। वीर बचाओ, मैं तुम्हारे साथ रह रहे के खुद को रोबोट डोंकी समझने लगा हूँ, बचाओ। लगता है यहाँ से कोई रास्ता होगा। राजा वही होना चाहिए जो प्रजा की रक्षा कर सके। आप हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करने में असफल रहे हैं। आपको राजगद्दी में बैठने का कोई हक नहीं। कोई हक नहीं। तुम लोग ठीक कहते हो, मैं इस राजगद्दी के लायक नहीं। मैं अपना राज मुकुट उतारना चाहता हूँ। आप अपना राजा खुद ही चुन लें। हमारे सेनापति बहुत बहादुर है। आपके बाद राजा बनने का हक सिर्फ उनको ही है। मुझे मंजूर है सेनापति दमदम, तुम एक बहादुर सेनापति हो। मेरी राजगद्दी के असली हकदार तुम ही हो। ये लो मेरा राज सिंहासन और मेरा राज मुकुट। रुकिए महाराज, ये सब सेनापति दमदम की चाल है। काल मकड़ी को सेनापति ने ही बुलाया है, वो उसकी दोस्त है। सेनापति आपको लोगों की नजरों में गिरा के खुद राजा बनना चाहता था। ये झूठ है, सैनिकों पकड़ लो इस लड़के को। ये सच है महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से काल मकड़ी और सेनापति को साथ साथ देखा है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। सिपाहियों दमदम को गिरफ्तार कर लो। मैं वापस आऊंगा और अपनी फौज लेकर आऊंगा। अब कोई नहीं बचेगा। महाराज उसे जाने दो, इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें उस पे हमला करना है। काल मकड़ियों को जुगनू के बदन से निकली रोशनी से डर लगता है। हम सब एक साथ मिलके उस पे हमला करेंगे और हमारा हर हथियार चमकदार होना चाहिए। ये बर्ड नहीं रोबोट है वीर, हिम्मत है तो लड़ो वरना चुपचाप हमारे साथ चलो हमारे बॉस के पास। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बॉस बॉस, वीर अपने आप हमारे साथ आ रहा है। बॉस मुबारक हो। मैं आ नहीं रहा, मैं लड़ रहा हूँ। सॉरी बॉस, वो आ नहीं रहा, वो लड़ रहा है बॉस। सॉरी। लड़ाई चल रही है पर मैडमी को कमजोर पड़ रहा है। उससे कहो कि वीर को पंजों में पकड़ के उड़ा के ले आए। बॉस वो उड़ भी सकता है, ये तो मुझे पता नहीं था। वो तो जमीन पर भाग दौड़ के ही लड़ रहा है। उसके रिमोट में फ्लाइंग का बटन है, वो दबाओ जल्दी। बटन दब गया जी। बॉस बॉस, वो तो मुझे छोड़कर भाग गया, अब मैं भी 9-2-11 हो जाता हूँ। वो उन बादलों के बीच कहीं छुपा हुआ है और बहुत गुस्से में लग रहा है। कौन छुपा है? दादाजी, एक फ्लेमिंगो जैसा रोबोट था जिसने वीर पे हमला किया था। देखिए उसके चीखने की कितनी आवाजें आ रही हैं। तुम लोग अंदर चलो वरना वो कभी भी दोबारा हमला कर सकता है।